वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला जो एपिसोड है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर अपन लोग दो तीन पार्टी नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं इसके अंदर एडवेंचर के मामले में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन को अब इसके अंदर जाना है, लास्ट टाइम इधर पे छोड़ दिया था अपन ने, और ये इन्होर वुड्स के अंदर अपन लोग आ चुके हैं। इनके साथ लगता है खूब बैटल होंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर, अरे यार मेरे को यार रैपर लगा लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले इसको वम्प। वैसे यार रैपल मेरे पास अभी है भी कि नहीं मैं भूल गया, क्योंकि पिछला एपिसोड बहुत दिन पहले खेला था मैंने। हाँ वो अपलोड भले ही मैंने रोज ही के रोज एपिसोड कर रहा हूँ, लेकिन जो देखा जाए तो मैंने खेला बहुत दिन पहले था। और एक और चीज़ अगर मैं बता दूँ कि मैंने ये गेम को पूरा कंप्लीट कर दिया है, अभी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ इसकी। और सही में बताऊँ यार ये गेम ने फैन बना दिया मेरा। मैं मतलब वीडियो अभी तक इतने दिनों से इसलिए नहीं डाल रहा था, अगर आपने देखा हो पहला एपिसोड मैंने खेला, फिर उसके बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली कुछ दिनों तक, रीज़न ये था। लेकिन इससे पहले इससे बैटल कर लेते हैं, इससे बैटल में इतना टाइम लगेगा नहीं। चलो स्टार्ट करें। तो अपन ने अपने स्क्वेडल को अभी इवॉल्व होने से इसलिए रोक दिया क्योंकि यार अभी वो स्क्वेडल अच्छा दिख रहा है। मैं डायरेक्ट तभी उसको करूँगा जब अपन लोग उस लेवल पे आ जाएंगे जब बैटल स्टार्ट हो, जब मतलब कि वो डायरेक्ट वो ब्लास्टोइस में इवॉल्व होने के लिए दो तीन लेवल बचे रहेंगे। गोल्ड के साथ बैटल करना है। ओके गोल्ड, लेट्स द बैटल स्टार्ट। तो गोल्ड देखते हैं क्या चुनेगा। गोल्ड की टीम में ब्यूडो, कितनी घटिया टीम बना रखी यार, मैं इसे बोल देता मैं इसके लिए एक अच्छी टीम बना देता। पहली बात अपनी यार मैं बोलूँ, अभी तक मैंने जितने भी गेम खेले हैं उनमें से ये गेम के जो मैं टीम बना रहा हूँ वो सबसे बढ़िया कहलाएगी एट द एंड, क्योंकि अपने पास इतनी बढ़िया बढ़िया पोकेमोन है यार टीम के लिए। और ब्यूडो यार, अरे यार ये ग्रास टाइप होने के बाद भी यार इस पर इतना असर नहीं हो रहा एम्बर का, होना चाहिए था यार एम्बर का इस पर असर जल्दी जल्दी, बहुत स्लो स्लो असर हो रहा है यार इस पर। और ख़त्म, चलो कहानी तो इसकी ख़त्म। 112, 115, 115 और टोटोडाइल के खिलाफ अपने पास एलकिड है, एलकिड। अपने पास वैसे पीकाचू भी है जो अपन को मिला था, लेकिन पीकाचू को मैं अब इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि भाई एलेक्टोबस, एलकिड ये बहुत ज़्यादा बढ़िया पोकेमोन है अगर पीकाचू के कंपेयर में करें तो, इसलिए मैं उनको अपनी टीम में प्रेफर करूँगा। हाँ अपन लोग अब चुनेंगे ऐश को, और ऐश आ चुका है और मैगमी को लाए हैं लोग, तो अपन वाटर गन से ख़त्म कर देंगे यार कहानी, क्योंकि इतना लॉजिक क्यों लगाना फालतू। अपन ऐश केचम नहीं है इसके अंदर जो कि ग्रास टाइप लेके आएंगे और ये हरा देंगे, क्योंकि ये पोकेमोन की एनीमे सीरीज नहीं चल रही है, ये गेम चल रहा है और गेम तो लॉजिक के हिसाब से ही चलेगा। और अपन ने हरा दिया गोल्ड को। इन चैंपियंस को पता नहीं एक बच्चे से हारने में क्या मजा आता है यार, ये नए नए ट्रेनर से हार जा रहे हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को भी। लेकिन गेम बनाने वाले ने सबसे सही करा है यार, क्योंकि यार ये बेइज्जती करा रहे और कुछ नहीं इन चैंपियंस की। एक और बैटल यार, ये दिमाग ख़राब कर देते हैं इतने सारे ट्रेनिंग ट्रेनर्स, क्योंकि एक ही एक टाइप के पोकेमोन लाएंगे। और ये क्या होने लगा, ये हुई ना बात यार, अपन ने तीसरे एपिसोड के अंदर ही सिंडाकोइल को इवॉल्व कर दिया, मतलब गजब ही। अपन लोग यार बहुत स्पीड में खेल रहे हैं गेम को, मतलब अपनी टीम आधे से ज़्यादा टीम बन चुकी है और मैं कोशिश करूँगा एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने की। सिंडाकोइल बन चुकी है कुलावा, और कुलावा के अलावा एक और इसका आखिरी फॉर्म का नाम क्या रहता है यार, टोफू लजन ऐसे कुछ रहता है, अगर आपको पता हो कमेंट करो, क्योंकि कमेंट आप करोगे तो मुझे पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि आप लोग कौन कौन मुझे देखता है। और ये क्या, ये कौन सा पोकेमोन है यार, कॉम्बी, एंग्री कॉम्बी, ये क्या भगा रही है यार अभी उस जगह पे घुसने नहीं दे रही है ये पोकेमोन, ये क्या हो रहा है। तो ये कॉम्बी नहीं घुसने देंगे तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये पजीरिसू है शायद, है ना, पजीरिसू है या क्या है, पजीरिसू पजी, अच्छा पचीरिसू। अरे यार एक और बैटल,
Only a battle will warm my heart. अच्छा इन दीदी को तो हरा दिया अपन लोगों ने, अब देखते हैं क्या आगे होना है। और यहाँ पर एक पोके बॉल और इसके अंदर निकला अल्ट्रा बॉल। ये सारी चीज़ें मेरे को बेकार लग रही हैं अभी के समय, क्योंकि ये लोग टीएम नहीं दे रहे हैं यार। टीएम चाहिए मेरे को क्यों, ताकि मैं और स्ट्रॉन्ग बन सकूँ और स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बन सकूँ। और ये क्या, अब कैटरपी, 6 लेवल का कैटरपी दे रहे हो यार इतने आगे आने के बाद। मतलब क्या है यार ये गेम की, मतलब इतने आगे आया मैं और 6 लेवल का कैटरपी दे रहे हैं। थोड़े ज़्यादा लेवल का दे लेते तो मैं पकड़ भी सकता था। और अपन लोग पहुंच चुके हैं रस्त, हाँ शायद पहुंच चुके हैं अपन लोग, बस ये इसको हरा दें और नए टाउन। और इधर पे अपन को अपना एक और जिम बैच मिल जाएगा, पहला जिम बैच मिल जाएगा यानी। तो यहाँ पर अभी तो नहीं, आगे चलो आगे चलो। मेटापॉड, मेटापॉड बड़ा बेकार पोकेमोन है, ये अंकल से नहीं करना चाहता फाइट। ये बहुत ज़्यादा ही सेम टाइप के पोकेमॉन लाएंगे। और यहाँ पर एक और पोकेमॉन मिल गया, वम्पल। कितने घटिया घटिया पोकेमॉन दे रहे हैं यार ये लोग। अगर तो यार मैं अब क्या ही बोलूँ इतने घटिया पोकेमॉन को। लेकिन अगर आपने मेरी वायर रेड सीरीज़ नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हो, 10 एपिसोड ही है उसके अंदर। 10 एपिसोड में पूरी सीरीज़ कंप्लीट करी थी मैंने वो, और अच्छी खासी सीरीज़ है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है वो सीरीज़। वैसे वो गेम बहुत ज़्यादा लेंदी है, पर मैंने उसको एकदम शॉर्ट बना के पूरी चीज़ें दिखा के उसको मतलब शॉर्ट बना दिया है। और एक और गेम मैंने इसके अलावा कंप्लीट करा है, पोकेमॉन एश ग्रे। बाकी गेम मैंने कंप्लीट तो करे लेकिन मेरे को वो अच्छे नहीं लगे तो मैंने डिलीट कर दिए। बहुत सारी गेम है जैसे पोकेमॉन डार्क राइजिंग, जिसकी मैं एक पर्टिकुलर सीरीज़ लेके आऊँगा सीजन वाइज। मैं यार सही में बताऊँ तो वो सीरीज़ मैं बहुत पहले ही कंप्लीट कर देता। 2021 दिसंबर में मेरी वो सीरीज़ चल रही थी, लेकिन उस वक्त मैंने की नहीं, पता नहीं क्यों नहीं की। लेकिन अब मौका मिल रहा है तो करते हैं, और क्या। तो यहाँ पर ये कॉम्बी क्या कर रही है यार, पूरे हर घर पे कॉम्बी कॉम्बी। ये लगता है किसी टीम ने कर रखा है और टीम ने यहाँ पर कॉम्बी को छोड़ रखा है। वैसे कॉम्बी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये पोकेमॉन जो है इनका नाम कॉम्बी है। और लगता है मुझे इन विलेजर्स को बचाना पड़ेगा इस कॉम्बी से। अरे यार एक तो जिम के सामने भी कॉम्बी घर है, वरना मैं तो सिर्फ जिम लीडर को हरा के भाग लेता। मेरे को इन फालतू चीज़ों में नहीं उलझना है, लेकिन अब गेम है, गेम की स्टोरी लाइन है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना ये लोग मानेंगे नहीं। ठीक है, देख लिया दीदी, देख लिया। ये वैसे दीदी है या अंकल है, जैसिका। चलो ठीक है, समझ गए हम, हमको मतलब अब अगर जिम लड़ना है तो इस मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा। खुद तो भग गई बोल के, हाँ जैसे कि बहुत आसान हो ये, लेकिन ये तभी आसान नहीं है। देखो अब गेम को थोड़ा फास्ट बनाना है, बहुत देर हो गई स्लोली स्लोली गेम खेलते हुए। लेकिन अब अपन को ये एपिसोड को सीरियसली लेना होगा और जल्दी से ख़त्म करना होगा। अपन को इस एपिसोड के अंदर एक जिम बैच जीतना है। अब इतनी आसानी से डॉच कर सकते हैं इन लोगों को यार, मतलब। और जैसिका, अबे कितनी बार आएगी यार ये लड़की जैसिका, अभी मेरी मदद लेने गई और खुद कूद गई यहाँ पर। फिर बोले ही काय को, जब खुद ही कर सकती है तो वेस्पियन को चुन रही है ये। वेस्पियन, ये कौन है वेस्पियन? और इसने पता नहीं ये कौन से पोकेमोन से लड़ रही है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ यार ऐसे। स्पिट वो ड्रिफ्ट ब्लिम, इसका नाम मैंने पहली बार सुन रहा हूँ यार। किसी किसी नाम के पोकेमोन आ गए यार अलग अलग रीजन में। मैंने तो यार बस शिनो रीजन तक पोकेमोन देखा है, आपने कौन कौन से रीजन देखे हैं वो बताना। और हाँ हाल ही में जो रीजन गलार चल रहा है वो भी मैंने देखा है, वो भी अच्छा रीजन है क्योंकि उसके अंदर तो चैम्पियन ही बन चुका है एश कैचअप। और ये ड्रिफ्ट ब्लूम के खिलाफ अपना एश क्या काम करेगा? अरे बहुत बढ़िया यार, मतलब इसके खिलाफ अगर आप बाइट चुन लोगे तो यार बहुत आसानी से हार जाएगा ये ड्रिफ्ट ब्लूम। ये ड्रिफ्ट ब्लूम ये छोटा वाला पैकेट है, बड़ा वाला पैकेट कब आएगा? बड़ा वाला एवोल्यूशन दिखाओ यार, ये बच्चे से लड़ूंगा क्या यार मैं? हाँ डस्ट क्लॉ, इसके खिलाफ भी चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ अपना एक पोकेमोन ही मेरे को लग रहा है इसकी पूरी टीम को हरा देगा। और यहाँ पर हाँ ये इफेक्टिव तो हुआ, और देखते हैं एक और बाइट। ओके अरे यार थोड़ा सा रह गया यार, मैं इसके लिए एस्ट्रोइनिश चुन रहा है। एक और बाइट और खेल खत्म, डस्ट क्लॉक। वैसे देखने में बड़ा डरावना सा है। अब आया ड्रिफ्ट ब्लिम, हाँ इसका इंतजार कर रहा था मैं भी, क्योंकि यार भागे तो यार देखो जरा, बाकी पोकेमोन इतने वो लगे नहीं, लेकिन जे है थोड़ा।
जो दिखने में लग रहा है। और इस ये भी यार मतलब बाइट से आराम से हार जा रहा है। मेरे हिसाब से पहले छोटा वाला फॉर्म, फिर दूसरा वाला पोकेमॉन आएंगे उसका भी छोटा फॉर्म, फिर उसके बाद जो पहला वाला था उसका एवोल्यूशन, फिर दूसरे वाले का एवोल्यूशन, ऐसे ही चार पोकेमॉन होंगे। देखते हैं गैस करा है अभी अपन ने सही होता भी है कि नहीं। इसके बाद वो भूत वाले पोकेमॉन का एवोल्यूशन आएगा शायद, और अपना एक ही पोकेमॉन इनकी पूरी टीम को हरा दे रहा है। ओहो टैकल, टैकल हटा देते हैं अपन लोग। टैकल वैसे ज़रूरत है नहीं अपने पोकेमोन के लिए। वैसे चार मूव यार बहुत घटिया बात है यार, कि सिर्फ चार पुच्छी आना को भेज रहा है यार। ये मेरे को लगा कि वो भेजेगा, लेकिन मेरा असप्शन आर असप्शन इज रॉन्ग, इट्स कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट। ये लाइन किस किस ने लिखी है अपने पेपर में कमेंट कर देना, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो सकती है। और आगे रैपिड स्पिन के साथ खेल खत्म, और अपन लोग जीत चुके हैं इतनी आसानी से, बहुत जल्दी जीत गए यार, क्योंकि मैंने गेम की स्पीड को थोड़ा फास्ट कर दिया है। और मज़ा भी आ रहा है फास्ट स्पीड में खेलने को, क्योंकि कमेंट्री भी जल्दी जल्दी हो रही है। लेकिन अभी मैं चाहता नहीं हूँ कि इसको इवॉल्व करूँ, तो इसका एवोल्यूशन रोक देते हैं, क्योंकि यार वॉल टोटल में बहुत घटिया देखेगा अपना पोकेमॉन, बहुत बहुत ज़्यादा घटिया। शीला शीला पोकेमॉन गेम को पहले सेव कर देते हैं फोल्डर में। और ओके तो अपन बचा लिया इन लोगों को, और कॉम्बी को भी हरा दिया, मतलब कॉम्बी को नहीं हरा, अपन ने जितने भी कॉम्बी थे शहर में भटक रहे थे उनको हरा दिया है। तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं अपन लोग, और जिम लीडर को चैलेंज करते हैं, और उसको बहुत गंदी तरीके से हराते हैं। हाँ चलो जल्दी 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 चलो यार भाई, टाइम बर्बाद नहीं करना है। कहाँ से, अरे यार सबसे घटिया चीज़ मेरे को यही लगती है यार, एक तो मेरे पास रैपल नहीं है, रैपल नहीं है मेरे पास, मेन बात ये है। रैपल होता तो फिर भी मज़ा आता, लेकिन रैपल ही नहीं है ना मेन बात। चलो अब खरीदेंगे रैपल जल्द ही, और अपन लोग तीसरी रूट पे आ चुके हैं। 4-0 गिनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये गेम वैसे भी कौन से रीजन के, अरे कौन सा रीजन है यार, शिनू रीजन के हिसाब से चल रहा है ये। और अपन हील करवा लेते हैं सबसे पहले अपने चारों पोकेमोन को, और जल्दी से चलते हैं और जिम लीडर को हराते हैं। बहुत जल्दी जल्दी हराना है अपन को, क्योंकि ये एपिसोड वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। और अपन लोग एक काम करते हैं, हेडबट जो है द फोकस पंच, हेडबट दे देते हैं अपन लोग, टीएम को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन किस पे करेंगे यूज़, हाँ तीन पोकेमॉन हैं तो किस पे करें, किसी पे नहीं कर रहे। फोकस पंच थी, हाँ मैं सोच रहा हूँ अभी करूँ भी या ना करूँ, क्योंकि अभी बहुत वो हैं। फोकस पंच दे दे रहे, क्योंकि अपने इलेक्टाबस के पास यार ढंग के मूव नहीं हैं, और वो वैसे ही नहीं, इलेक्ट सॉरी मैं इलेक्टाबस बोल रहा, चलो बाद में देखेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं क्या ये कोई पोकेमॉन फ्री में दे रहे हो, नहीं दे रहे हो क्या आंटी आप दे रहे हो। ओके ये टीएम दे रही है अपन को, और TM09 मिल चुका है अपन को, जो कि ग्रास टाइप मूव है। अगर अपने पास कोई सा ग्रास टाइप पोकेमॉन हुआ तो तब ज़रूर अपन लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। कैसे बुलेट सीड, ओके बुलेट सीड अच्छा अटैक है, वाटर टाइप और इलेक्ट्रिक टाइप, और खास कर कौन सा टाइप है यार, ग्राउंड टाइप, ये तीन टाइप पे बहुत ज़्यादा असर कर सकता है। और अगर अपना आप अपना पहला पोकेमोन ग्रास टाइप को चुनते हो तो बहुत अच्छी बात है। साइथर को स्पाइनार्क के बदले में ट्रेड, मेरे पास पहली बार स्पाइनार्क नहीं है, और साइथर को तो मैं चुनूंगा भी नहीं, बहुत घटिया पोकेमोन है। हाँ यार बहुत ज़्यादा घटिया है, एनिमे सीरीज में भले ही उसको इतना दिखाया हो, लेकिन उसका एवोल्यूशन अच्छा है। तो चलो चलते हैं क्या हराने, बक टाइप जिम। अरे ये कौन निकल के आ चुका है यार, रेड रेड आ चुका है रेड, ये यार रेड को हराना पड़ेगा यार अपन को। ये यार मतलब कैसे पोकेमोन ट्रेनर से यार, मतलब मैं जिम लीडर से भिड़ने जा रहा हूँ, ये अपना शो ऑफ कर रहा है, पिकाचू को चुन रहा है, एस को चुनेंगे अपन लोग। भले ही अपने पास डिसएडवांटेज हो, लेकिन फिर भी अपन लोग कोशिश नहीं हारेंगे, लेकिन पैरालाइज होने के बाद कोशिश हार मान लेनी चाहिए, लेकिन कोशिश करते हैं फिर भी। अभी बाइट हुआ तो ठीक है, ओके हो रहा है हो रहा है हो रहा है भाई हो रहा है, मैं यकीन नहीं हो रहा है यार। तो इससे एक बात सीखने को मिलती है कि हाँ नहीं मानना चाहिए। और अपने यश ने पिकाचू को हरा दिया यार, मतलब बढ़िया यार, मतलब क्या ही बात करूँ। टॉर्टविक को चुन रहा है, अपने पास फायर टाइप में कुलावा है, लेकिन अभी अपन लोग इसको ही चुनेंगे, क्योंकि वही अपन लोग डिसएडवांटेज है अपने पास, लेकिन फिर भी जीतने की कोशिश करेंगे। 7 की HP खाते हैं बस, इससे ज़्यादा तो यार मेरा कोई भी पोकेमोन को अगर मैं होता तो वो खा लेता, लेकिन अरे यार धीरे धीरे करके यार एब्जॉर्ब करे जा रहा है। अब एक तगड़ा अटैक करना पड़ेगा इसके लिए अपन को, रेजर लीव ये तो बहुत ज़्यादा असर करेगा। हाँ इतना नहीं करा, लेकिन करा इसने, और बाइट से ख़त्म। अरे यार ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा यार, इतना लंबा बैटल खींच रहा है। अब कौन सा अटैक कर सकते हैं अपन लोग इस चीज़ पे, एक तो ऐश के अटैक ही मिस हो रहे हैं पैरालाइज होने के कारण। कितना पैरालाइज है यार ये, मतलब अब तो हट गया यार पैरालाइज से,
ओके। और ये, अरे यार थोड़ा सा रह गया भाई इसका, ये कर्ज कर्ज कब से सीखने लगा यार ये टॉर्टुइक। टॉर्टुइक तो बस एक ग्रास टाइप पोकेमोन है और एक ग्राउंड टाइप भी शायद। और बाइट, अब अरे यार बाइट असर क्यों नहीं हुआ, पहले होना चाहिए था बाइट। चलो चलो अब हो सकता है, अब हो सकता है। और जीत गए अपन लोग टॉर्टुइक के खिलाफ, अपने एक पोकेमोन ने दो दो डिसएडवांटेज वाले पोकेमोन को हरा दिया रियोलू। हाँ वैसे अपने पास इसके पास फायदा है भी कि नहीं मैं नहीं जानता। स्टील टाइप के खिलाफ मैं कुलावा को चुन ले रहा, क्योंकि ये अब एक ही अटैक का बचा हुआ है। एक अटैक और ये ढेर हो जाएगा मेरे को पता है। तो रियोलू को खिलाफ एम्बर इस्तेमाल करते हैं और जीत जाते हैं ये। अरे यार एम्बर तो हसन नहीं कर रहा, काउंटर काउंटर कर रहा है, लेकिन नहीं होगा भाई तेरा काउंटर। रिफ्लेक्ट, इसने रिफ्लेक्ट करा डिफेंस के लिए। स्मोक स्क्रीन देखें क्या जरा कितना असर करेगा। स्मोक स्क्रीन अटैक मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ वैसे, क्योंकि बाकी पोकेमोन गेम के अंदर मैं हटा ही देता था, मैं यूज़ करता ही नहीं था। क्योंकि एम्बर ही ऐसा अटैक था, या फ्लेम थ्रो या टैकल, यही बहुत अच्छे अटैक हैं, तो भाई स्मोक स्क्रीन की जरूरत पड़ती नहीं है, बहुत कम जगहों पर पड़ती है। और अपन ने हरा दिया है रेड को। रेड को हराने के बाद अब हम लोग चलते हैं जिब लीडर को हराने। हाँ जॉनी, ओ HM1 दे दिया इसने। HM1 क्या है भाई, कट कट उल्ट, वैसे पता है हाँ कट ही है ये, सही है। लेकिन उससे पहले मेरे को अपने पोकेमोन को हील करवाना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं हील करवाने, क्योंकि ऐसे तो नहीं जीत पाएंगे यार अपन लोग। कट HM दे देते हैं अपन लोग, किसको दें लेकिन कट का HM। कुलावा, अरे यार सब कुलावा, ये यार बहुत बेकार बात है यार। कुलावा इतना अच्छा अच्छा अटैक सीख सकता है, लेकिन ये HM क्यों सिखाना है। चलो छोड़ो HM वैसे भी हटाए नहीं जाते। TM को एक वक्त अपन हटा सकते हैं, लेकिन HM को नहीं हटा सकते। और ये तो HM एक ही पोकेमॉन सीख रहे हैं, रेड सीख लेता तो सही रहता, लेकिन ठीक है। चलो एक काम करते हैं, चलते हैं हराने, कोई जरूरत नहीं हील कराने की अभी। पर अपने पास फायर टाइप तो है ही अटैक, तो फिर चलो हराते हैं जल्दी जल्दी इन नौकरों को। और अपन लोग अब बस जीतने ही वाले हैं फालतू ट्रेनर से लड़ने के बाद। अरे यार ये कॉम्बी के गुच्छे कहाँ से आ रहे हैं। हनी भी रन कर लेते हैं। कुलावा पॉइजन, अभी यार इसका छोड़ो यार कुलावा एक, भाई देखो यार कुलावा भले ही पॉइजन हो लेकिन फिर भी मैं हरा सकता हूँ यार जिम लीडर को। बस अरे यार कितने सारे ट्रेनिंग ट्रेनर्स हैं यार, दिमाग खराब कर रहे हैं इतने सारे ट्रेनिंग ट्रेनर्स। और कितने ट्रेनर्स हैं यार, और कितने ट्रेनर, अरे यार एक तो मैं इनसे क्यों टकरा जा रहा हूँ यार। कॉम्बी मेरा पकड़ने का बिल्कुल मन नहीं है इन घटिया पोकेमोन को, मैं जानते तक नहीं हूँ यार ये करते क्या है, तो लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और यहाँ पर फाइनली अपन लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर जेसिका के पास। अच्छा जेसिका ट्रेनर थी, अब कैसे ट्रेनर थी यार ये। देखो यार मैं इतने फास्ट इस गेम प्ले को इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं जीतूँगा, और जैसे कि मेरे को उम्मीद नहीं थी और मैं जीता भी नहीं। जेसिका से अपन लोग एक बार हारे हैं, लेकिन अब की बार पक्का उसको हराना है यार, तो चलो चलते हैं जल्दी से उसको हराने। बहुत गंदी तरीके से हराया था और मेरा पूरा घमंड तोड़ डाला उसने। मैं सोच रहा था कि मैं अपने से कुलावा भले ही पॉइजन हो तो भी हरा दूंगा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है स्कॉर्पियो को चुनेंगे। ये तो अपन एम्बर चुनेंगे। और ये क्या हुआ, बारिश चालू हो गई और यहाँ पर, हाँ मैं भीग चुका हूँ, मैं छत पर बैठ के गेम प्ले की रिकॉर्डिंग कर रहा था और अचानक से बारिश शुरू हो गई, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरे को इसको पहले हराना है। और जहाँ पर अपन ने पहले पोकेमोन को हरा दिया है, अब दूसरा वल्पिड आ चुका है, तो मैं एम्बर को चुनूंगा यार। एम्बर एक अच्छा अटैक है इन पोकेमोन के खिलाफ, क्योंकि बग टाइप और कौन से टाइप है पता नहीं यार, बग इस ग्रास टाइप पोकेमोन ऐसे ही है इसके। और अपन ने हरा दिया एक और पोकेमोन को, बस दो पोकेमोन और अपन जीत जाएंगे अपना पहला जिम बैच। कम बैक रेड गो। और जहाँ पर वेस्पियन के खिलाफ अपन चुनते हैं, अरे यार वेस्पियन चुना यार इसने, चलो कोई नहीं स्क्वाडर को चुनते। टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक अटैक, ये तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक निकली यार, जो वजह से फीमेल लग रही है यार इस पोकेमोन की शक्ल भी नहीं दिख रही सही से। देखते हैं यार हरा भी पाते हैं कि नहीं इसको। पॉइजन कर दिया वैसे इसने, वाटर गन कितना असर होगा, और जैसे कि समझा था बिल्कुल असर नहीं हुआ। कितने खतरनाक अटैक है यार इसके पास, रैपिड स्पिन थोड़ा तो असर हो जा, नहीं हो रहा यार मेरा एक भी अटैक असर क्यों नहीं हो रहा। एश हर्ट बाय पॉइजन यार, बाइट
अरे यार मैं तो हार गया यार, मेरे को लग रहा है और हार गया, मेरा ऐश हार चुका है। लेकिन अभी मेरे पास 3 पोकेमोन और हैं, और देखो यार फाइट इक्वल थी, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे पास ज़्यादा पोकेमोन थे इस फाइट में। और मैं सोचूंगा कि आने वाली सीरीज के अंदर मैं वैसे ही करूँ कि जितने पोकेमोन जिम लीडर यूज़ कर रहे हैं उतने ही पोकेमोन से मैं भी उतने ही पोकेमोन यूज़ करूँ जीतने के लिए। लेकिन ये गेम थोड़ा टफ है इसलिए मैं कर सकता हूँ यार, अब मेरे ऊपर है यार ये लोग, वैसे भी टीम तो वो करने नहीं देते। आर्योडोस गश्ट, ओके ये असर हो रहा है यार, भले ही ज़्यादा ना हो लेकिन अगर आप देखो तो रेड का लेवल 13 है और आर्याडोस है 20 लेवल का, तो अपने पास एडवांटेज तो नहीं है लेवल का, लेकिन फिर भी अपन का अटैक असर हो रहे हैं। और गश्त तो और ज़्यादा असर होने लगा यार, क्या खतरनाक फाइट चल रही है। अगर आपको ये फाइट में मज़ा आ रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और ये क्या गश्त अटैक एक और बार, स्कैरी फेस, स्कैरी फेस से क्या होता है स्पीड हार्शली फील हो जाती है, कोई बात नहीं गश्त है ना भाई। एक और गश्त और इसका खेल खत्म। अपने से भी यार 13 लेवल के पोकेमोन ने एक 20 लेवल के पोकेमोन को हारा है। इससे ये साबित होता है कि पोकेमोन के लेवल मायने नहीं रखते, उनसे उनको यूज़ करने वाला ट्रेनर मायने रखता है। और अपन जीत चुके हैं अपना पहला जिम बैच, और अपन को प्लेन बैच मिल चुका है जो कि बहुत ज़्यादा प्लेन है, और अपन को एक TM06 मिल चुका है जो कि अपने अपने थैले में रख लिया है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।